वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। मथुरा की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जीएलए में एमबीए की छात्रा ने हॉस्टल में लगाई फांसी, मौके पर हुई मौत। परिजनों ने लगाया कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप और कॉलेज को बताया गलत। दरअसल जीएलए विश्वविद्यालय में एमबीए द्वितीय वर्ष की छात्रा आरती पुत्री तेजवीर सिंह निवासी मधुनगर में रहने वाली लड़की ने पंखे पर फांसी का फंदा गले में डालकर आत्महत्या कर ली। छात्रा यूनिवर्सिटी के गोदावरी छात्रावास में रह रही थी। छात्रा के पिता तेजवीर सिंह ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तेजवीर सिंह का कहना था कि जब उनकी लड़की आज क्लास में नहीं गई थी तो विद्यालय को हॉस्टल में जानकारी करनी चाहिए थी कि आखिर वह क्लास में क्यों नहीं पहुँची है, तो शायद उनकी पुत्री की जान बच जाती। वहीं जब इस संबंध में विद्यालय प्रशासन से बात की तो उनका कहना था कि छात्रा का उसी की क्लास में पढ़ने वाले किसी छात्र से करीब 1.5-2 माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आज छात्र ने कई बार लड़की को फ़ोन मिलाया लेकिन उसका फ़ोन नहीं उठा, तो छात्र गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचा तो उसने छात्रा को फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देख जिसकी सूचना उसने विद्यालय प्रशासन को दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई, जबकि पुलिस का कहना भी प्रेम संबंधों के कारण ही आत्महत्या माना जा रहा है, जबकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच की बात कर रही है। अब देखना होगा कि कॉलेज प्रशासन अब इस परिवार के सवालों का जवाब कैसे दे पाता है, जो कि परिजनों का आरोप है। मथुरा से शुभम चौधरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरी बेटी का 1860 हुआ है। कहाँ, किस इसमें? जेल यूनिवर्सिटी पर दे दी, सेकंड ईयर में। अगर प्रशासन का ठीक होता, सिस्टम ठीक होता, शायद उसकी जान बच जाती। इन्होंने क्या है, उसकी क्लास थी 10:08 से, ये मुझे बता रहे हैं कि 10:30 की क्लास थी। इस बीच में इन्होंने 1.5 घंटे को कोई इन्फॉर्म किसी को नहीं किया, ना अपने सीनियर किया, ना किसी किसी किया। इस वजह से वो लड़की अकेले में रहकर किसी बात किया और उसने सुसाइड कर लिया। किस बात को लेकर, कितने बजे की घटना थी ये? करीब घटना है 9:30 की। उसके बाद पुलिस का मेरे पास आकर फोन आया, इन्होंने मेरे पास करीब 1 घंटे बाद मेरे पास बाद में फ़ोन किया। उससे पहले मेरे पास पुलिस का फोन आ गया, जब इनको चाहिए था कि मुझे मेरे पास फ़ोन करना चाहिए। इन्होंने पहले, हम पेरेंट्स इतना मेहनत करके इतना पैसा दे रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को, कोई इनका सिस्टम ठीक नहीं है। अगर सिस्टम ठीक होता तो मेरी बेटी आज जिंदा होती। क्या आप मानने की कॉलेज की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है? पूरी कॉलेज की लापरवाही है इसमें। बहुत सारे, मेरी बेटी चली गई। मैं आगे कहना यह चाहता हूँ, आगे ऐसी घटना ना हो, इस पर गहन जांच होनी चाहिए। और मैं इसका डीएनए टेस्ट पूरा, इसका पूरा फॉरेंसिक जांच पूरी करवाना चाहूँगा। मैं आर्मी कैप्टन से रिटायर्ड हूँ, मुझे कुछ बोला नहीं जा रहा। बड़ा दुख है, क्यों, मैं बड़ी मुश्किल से पाला है बेटी को। इतना मेहनत से पैसा दिया है, करीब मेरे 5-6 लाख रुपये मेरा खर्च हुआ है एक साल में। क्या नाम था बेटी के? मेरी बेटी का नाम आरती था। अगर सिस्टम इनका ठीक होता तो मेरी बेटी जिंदा होती। उन्होंने कोई सिस्टम कदम, गलत कदम उठाने से पहले मुझे कॉल कर सकती थी, किसी को बता सकती थी, पर इन्होंने कोई सिस्टम सुधार नहीं किया। मानते हैं हत्या का आरोप लगाया कि अपने खुदकुशी का आरोप है? खुदकुशी का आरोप है, पर खुदकुशी वो नहीं करती, क्योंकि अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब थी वो, अगर ये पहले मुझे बता देते, अपने सीनियर ऑफिसर को बता देते, किसी को बता देते कि यहाँ पे लड़की अकेली है, और इसका मतलब क्या है कि अपनी क्लास में नहीं गए, 2-3 दिन से अटेंडेंस इसकी नहीं है। मैंने उसकी शेड्यूल में देखा है, आपने शायद दिखाया होगा इस शेड्यूल में, उसकी 3 दिन की एबसेंट है, 3 क्लास की, वो क्लास में नहीं गई है। अगर उस पर जाँच करते, क्लास की चेक करते तो ये कार्रवाई नहीं होती। छात्रा ने सुसाइड किया, क्या है मामला, पुलिस क्या कर रही है? आईडी पर ठीक है, मैं किसी लड़की ने सुसाइड किया है, जो छात्रा है उनके भाई को मैंने बुलवा लिया था, मदर फादर आ रहे हैं। जिस लड़के से बातचीत हो रही थी उसके लड़के को भी हमने कस्टडी में लिया है, और प्राइमरी लड़की ने कल उसके मैं मोबाइल को चेक कर रहा था तो करीब 100 कॉल लड़के पे आई है। सुबह इनकी बात हुई है, वीडियो कॉलिंग हुई है, उसके बाद किस बात पे इनकी वाद विवाद हुआ है। और लड़का जब वहाँ से आया है दौड़ते हुए हॉस्टल में गए, गलत न कर ले, जब तक यहाँ से उनके गार्ड वगैरह गए हैं तब तक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। जो प्राइमरी की जानकारी, मदर फादर आ रहे हैं, वो जो लिख करके देंगे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने वहाँ पर फॉरेंसिक टीम को बुला लिया है, कानून से डबल बैरल से मैंने पीएम के लिए निर्देश दिया है। प्राइमरी मेरी है कि निष्पक्ष और सही कार्रवाई। सुसाइड हैंगिंग, हैंगिंग है, उसमें से अपना जो पंखा होता है उसमें फंदा लगा के सुसाइड किया है, और लड़की मिली जब मैंने देखा उसको।
लेकिन अभी कमरे में किसी को अलाउ नहीं किया है, उसको टेप लगा के हमने रखा है। मदर फादर भी आ रहे हैं, परिजनों का आरोप है हत्या की आशंका बता रहे हैं। मैंने कहा ना सब चीज़ जाँच में आ जाए, सुसाइड लेटर अभी कमरे में किसी ने एंट्री नहीं की, जब तक परिवार वाले आ जाएँ अपनी आंखों से देख लें उसके बाद बाकी बातें होंगी, कोई लॉ ऑर्डर की कोई ऐसी बात वहाँ के मौके पर नहीं। अन्याय अत्याचार और साजिशों के खिलाफ 22 जनवरी 2019 दिन मंगलवार प्रातः 11 बजे पोलखोल जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस पोलखोल जिला सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सम्मेलन को सफल बनाए स्थान NS2 रामलीला मैदान शिकोहाबाद, मुख्य अतिथि हरिओम यादव, विधायक सिरसागंज निवेदक विजय प्रताप यादव छोटू भैया पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत फिरोजाबाद।